हाय गाइस, दिस इज विभुदत्त फ्रॉम साउटेक लॉगेट। आज का ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कोई भी एंड्रॉइड टीवी में पबजी गेम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये गेम का इंस्टॉलेशन बताने से पहले कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। जैसे कि ये जो गेम है इसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको आपका टीवी में कोई भी एक कीबोर्ड लगाना पड़ेगा विथ एक माउस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास गेम पैड है तो वो काम करेगा बट फुली काम नहीं करेगा। मींस कुछ फीचर जो है या कुछ फंक्शन जो है वो गेम पैड में काम करेगा बट थ्रू आउट सभी चीज यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे नेसेसरी जो है वो एक माउस है, उसके साथ आप कोई भी एक कीबोर्ड यूज कर सकते हैं या कोई भी एक गेम पैड जो है यूज कर सकते हैं। और एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आप जो टीवी में इंस्टॉल करते हैं वहां पे अगर हेडफोन जैक है तो आप कोई भी हेडफोन एक लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पबजी गेम है इसको बिना हेडफोन में आप खेलेंगे तो आपको इतना मजा नहीं आएगा। अगर जो भी हेडफोन आप यूज करते हैं उसमें माइक फैसिलिटी होना जरूरी है, मीन्स कन्वर्सेशन भी आप कर सकते हैं। अगर ये हेडफोन जैक वो टीवी में नहीं है तो आप ब्लूटूथ का कोई भी ईयरफोन या हेडफोन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका फाइल का लिंक दिया हूँ, वहां पे आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी एक पेन ड्राइव हुआ या कोई भी हार्ड डिस्क में वो फाइल को कॉपी कर दीजिए और उसके बाद उसको आपका टीवी में लगा दीजिए। तो यूएसबी लगाने के बाद आप आपका टीवी में गूगल प्ले स्टोर में जाइए, कोई भी एक फाइल मैनेजर जो है वो डाउनलोड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे सॉलिड एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर है इसको मैं डाउनलोड किया हूँ। आप इसको भी यूज कर सकते हैं या कोई भी फाइल मैनेजर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सेक्शन में ये ओपन होता है, मीन्स ये साइड में आपका टीवी का इंटरनल मेमोरी है और वो साइड में आपका यूएसबी का डिटेल्स यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे हम राइट साइड में जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे मैं इसको एक फोल्डर के अंदर रखा हूं जो कि पबजी लाइट। तो इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पे दो मेरे को फाइल मिलता है, मीन्स यहाँ पे एक फोल्डर है और एक यहाँ पे एपीके फाइल है। तो ये जो फोल्डर है इसको कॉपी करना है आपका टीवी का इंटरनल मेमोरी में। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूं। तो ये कॉपी हो गया, आपको पेस्ट करना है, एंड्रॉइड के अंदर जाना है। तो यहाँ पे ओबीबी एक फोल्डर रहता है उसको आप क्लिक कर दीजिए, उसके अंदर ये जो फाइल है इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ये प्रोसेस हो रहा है, ये जो फोल्डर है यहाँ पे ये कॉपी हो गया। तो ये उसका एपीके फाइल है जो कि पबजी मोबाइल लाइट का ये एपीके फाइल है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। जैसे साइड लोड करके हम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पैकेज इंस्टॉलर, तो यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन आपको आता है, डाउन एंड ओपन। तो यहाँ पे आपको डाउन करना है, उसके बाद आप बैक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन ड्रॉअर है इसके अंदर वो दिखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए दो प्रोसेस है, आइदर आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, एप्स के अंदर जाना है, तो यहाँ पे आपको वो फाइल जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पबजी मोबाइल लाइट जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ से क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओपन अनइंस्टॉल आता है, तो ओपन यहाँ से कर सकते हैं। बट इससे भी एक इजी मेथड है, जैसे कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं और वहां पे एक एप्लीकेशन रहता है साइड लोड लॉन्चर, तो इसको अगर आप डाउनलोड कर देते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जितना भी एप्लीकेशन आपका टीवी के अंदर है तो आपको यहाँ पे ये शो कर देता है। तो यहाँ से इजीली आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ पे जस्ट आप रिमोट से ओके कर दीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे परमिशन देना है ओके, यहाँ पे जो भी परमिशन मांगता है आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चालू हो गया। तो यहाँ पे ये स्क्रीन आ जाने के बाद आपका रिमोट का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे माउस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि माउस का कर्सर आप देख सकते हैं, बिना माउस का आप ये गेम नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे आप आपका कोई भी सोशल मीडिया का लॉगिन वगैरह कर सकते हैं या मोर में जाते हैं तो यहाँ पे गेस्ट भी है, तो गेस्ट में भी आप ये गेम को खेल सकते हैं। तो ये जो गेम है आप ये कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बिनेशन से इसको खेल सकते हैं। जैसे कि ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड में आप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कर सकते हैं, बाकी जो भी है वो माउस के थ्रू में होता है। तो यहाँ पे जो ए एस डी एंड डब्ल्यू
ये चारों की है, ये लेफ्ट राइट के लिए काम करता है। मींस ए प्रेस करते हैं तो लेफ्ट चलता है, डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो ऊपर चलता है, डी करते हैं तो राइट, एंड एस करते हैं तो नीचे की तरफ या पीछे की तरफ आता है। बाकी सब 360 मूवमेंट जो है वो माउस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे मैं हेडफोन को लगा लेता हूँ। तो आपको माउस और कीबोर्ड दोनों का कंबाइन करके आपको यूज करना है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप खेल रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, बट आप धीरे धीरे इसका हैबिचुअल हो जाएगा आपको और आप अच्छा तरीके से इसको खेल पाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से कुछ आवाज आ रहा है, मीन्स फायरिंग का आवाज आ रहा है। यहाँ पे काफी फायरिंग का आवाज आ रहा है, मीन्स कौन सा साइड से एक एनिमी आ गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको फायरिंग करना है तो यहां से आप माउस से फायरिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम इसको अभी मार दिए, तो आपको अगर फायरिंग करना है तो आप ऐसे ही फायरिंग कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड से कुछ फायरिंग का आवाज आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक एनिमी है। तो यहां से जाके अगर हम क्लिक करते हैं तो फायरिंग होता है। ये गेम यहाँ पे काफी स्मूथली चल रहा है, जैसे कि ये टीवी में 2 GB का रैम है और 16 GB का मेमोरी है। तो यहाँ पे आपका टीवी का हार्डवेयर के हिसाब से आप यहाँ पे रिजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेटिंग में हम जाते हैं, तो सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे ग्राफिक्स रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिक्स जो है वो मीडियम है, तो आप यहाँ पे हाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन रहता है वो काम नहीं करता। तो यहाँ पे इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक जो है ये स्मूथ यहाँ पे डिफॉल्ट है, तो आप बैलेंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे HD देते हैं तो ये कमिंग सून आ रहा है। तो उसके बाद भी आप ये गेम को स्मूथली खेल सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट का जो बटन है माउस का, उसको आपको प्रेस करके रखना है अगर आपको मूवमेंट करना है। तो ये जरिया में आप कोई भी एंड्रॉइड टीवी में पबजी मोबाइल गेम लाइट जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप कोई भी एंड्रॉइड टीवी में इसको खेल सकते हैं। बट यहाँ पे मैं और एक बार आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये पूरा डिपेंड करता है आपका टीवी के हार्डवेयर के ऊपर। अगर आपका टीवी में अच्छा रैम है, मेमोरी है और प्रोसेसर भी अच्छा है, तो ये जो गेम है ये काफी स्मूथली चलेगा। अगर आपका हार्डवेयर कॉन्फिगरेशन थोड़ा बहुत कम है, या 1 GB रैम है, या मेमोरी भी कम है, या प्रोसेसर भी कम है, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, बट गेम जो है वो चलेगा। बट आपको यहाँ पे ग्राफिक्स में प्रॉब्लम आ सकता है, लैग हो सकता है, या कभी कभार क्रैश भी हो सकता है। बट यहाँ पे ये जो टीवी है, ये व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड टीवी जो के 2020 का मॉडल है, इसमें 2 GB रैम है और इसका प्रोसेसर जो है वो 64 GB का क्वाड कोर प्रोसेसर है 1.2 GHz का। तो यहाँ पे ये गेम मैं जितना टाइम इसको खेला, यहाँ पे टोटल क्रैश नहीं है, गेम लैग नहीं हो रहा है और ये जो गेम है ये काफी स्मूथली चल रहा है। तो आपका टीवी में इस जरिया में ये गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं और खेल सकते हैं। और यहाँ पे और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड और एक माउस का जरूरत पड़ता है, इसका बिना ये गेम को आप खेल नहीं सकते। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, ये वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, जैसे कि जो भी पबजी गेम का लवर है उनको उनका एंड्रॉइड टीवी में ये जो गेम है इसको इंस्टॉल करना है, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेकर आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साउंड टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।